तो भाई सारी डिशें आ गई हैं। ये देखो, ये भेज दूँ बड़ा और ये सांभर कुछ ले लिया अपन ने, इडली उडली इसमें। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा इंटरफेस आया भाई चावल का, देखिए बढ़िया कुक हो गए। अब शान ने तो लूट मचा दी यहाँ पे यार, देखो कितना सामान ले लिया, थैली भर दी इसने। ये देखो कितना सामान ले लिया। ये देखिए दोस्तों, एक मूर्ति है, ये कौन सा लॉर्ड की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है मेरे को तो। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। तो आज हम निकल रहे हैं हैदराबाद टू चेन्नई। चेन्नई है यहाँ से भाई, हमारे इस रेस्ट हाउस से 630 किलोमीटर चेन्नई है यहाँ से, तो 630 किलोमीटर की यात्रा है आज, और आज थोड़ी लंबी यात्रा है 630 किलोमीटर। तो जो रूट हमने लिया है वो मैप में लगा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये है हमारा भाई हॉलीडे होम, जहाँ पे हमने स्टे किया था, और ये बड़ी चौड़ी में है हैदराबाद में, बड़ी चौड़ी में। और इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे ओनली 4 रूम है और ये पूरी एक ऑफिशियली बिल्डिंग है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस वगैरह हैं, तो यहाँ इतना कुछ वीडियो बनाने का था नहीं। ये अपनी गाड़ी वाली बिल्कुल रेडी है, बस अब निकलने के लिए तैयार है। टाइम हो गया 5:30, तो चलिए चलते हैं चेन्नई की तरफ। अब हुए भाई सिटी से बाहर, एग्जैक्ट 36 किलोमीटर के बाद सिटी से बाहर हुए हैं, और अब टोल रोड प्रारंभ हुआ है, मतलब टोल रोड स्टार्ट हुआ है। हमने अपनी ट्रिप जीरो करी है 6-7 किलोमीटर के बाद, तो ट्रिप जीरो करने के बाद भी 32 किलोमीटर चल गए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर चल गए। और अब देखते हैं भाई, अभी हमारा गूगल टाइम बता रहा है 6:30 चेन्नई पहुँचने का, तो देखते हैं गूगल के टाइम को हम बीट कर पाते हैं कि नहीं पाते। और अभी टोल रोड सबसे स्टार्ट हुआ, रोड तो भाई मक्खन आया बिल्कुल, देखिए। टाइम हो रखा है 6:35, क्योंकि हम इतनी जल्दी निकल गए भाई, तो भी हमें आने में इतना टाइम लग गया इधर। वही आप अगर हैदराबाद से निकल रहे हैं और आप हैदराबाद आ रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी निकलिए, मतलब 5 के पहले निकलिए आप। मैं 6 बजे निकला, 5:55 पे अप्रॉक्सीमेटली निकला हूँ, तो भी मेरे को 40 किलोमीटर आने में इतना टाइम लग गया। सॉरी, अभी 6:56 हो गया भाई, 7 बज गई, और तो मेरे को 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में इतना टाइम लग गया 1 घंटा। मतलब मैं 6 बजे निकला, तो भी मुझे रास्ते में काफ़ी सारा ट्रैफिक मिला। तो आप और जल्दी निकले, कभी आप हैदराबाद से आपको एग्जिट होना है चेन्नई की तरफ, तो आप और जल्दी निकले। और ये देखिए रोड, मस्त रोड है भाई। और भाई आप कहीं रुकते हैं, फैमिली वाले सब कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि इडली खाना है, इडली। अब तो इधर सब जगह इडली इडली मिलेगी भाई, इडली वाले एरिया में इंटर कर रहे हैं बस हम थोड़ी देर में। दोस्तों हमारा पहला टोल टैक्स आई है हैदराबाद के बाद चेन्नई के लिए। सामने सूरज आ रहा है भाई, सूरज देव भी सामने ही है बिल्कुल। कार की लाइन में वही ट्रक वाला घुस गया है, आ रहा है भाई बैरिकेड में। पूरा टोल टैक्स की लिस्ट हैदराबाद टू चेन्नई अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं भाई कितना टोल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप हाईवे से निकलते हैं। और अभी हमने 51.8 हमारा मीटर दिखा रहा है, लेकिन हमने 8 किलोमीटर के बाद इसको रिसेट करा था निकलने के बाद, तो मतलब 60 किलोमीटर कवर कर लिया है अभी तक हमारे रेस्ट स्टॉप। और गाड़ी माइलेज दे रही है 17.5, हम इसको 20 प्लस कर देंगे अभी, आप आराम आराम चलाएंगे। और रोड तो भाई मस्त, जब से टोल रोड स्टार्ट हुआ है हैदराबाद के बाद, बहुत प्यारा रोड है, बहुत बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी। चल रहे हैं चेन्नई, फिर आगे का आपको बताएंगे, चेन्नई घुमाएंगे पहले तो। चेन्नई से फिर अभी प्लान कंफर्म नहीं है, पौंडीचेरी जाने का प्लान है, तो देखते हैं वो एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं हो पाता। मे बी एग्जीक्यूट हो जाएगा वो प्लान, प्लान कामयाब होता है हमारा जाने के लिए। तो अभी तो सब सोए पड़े हैं, इडली खाने का बोल रहे, तो अभी इडली खाते हैं।
few moments later. तो दोस्तों ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और अभी हम थे NH-65 पे, मेरे पीछे ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, ये NH-65। तो हैदराबाद से हम इसी हाईवे से आए और यहाँ से फिर हमने एक लेफ्ट लिया और यू टर्न मार के आला हाईवे पकड़ लिया भाई। और ये कौन सा हाईवे मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी मुझे भी नहीं मालूम कौन सा नंबर का हाईवे। ये आपको सीधे ले जाएगा चेन्नई। देखिए आला हाईवे, इससे हमें जाना है और ये ऊपर हाईवे ये है NH-65। और NH-65 से हमने यात्रा करी भाई 90 किलोमीटर की, 90 किलोमीटर की यात्रा इससे करी। 90 किलोमीटर आने के बाद शार्प लेफ्ट लेके और इधर से हम आ गए और ये जो NH-65 ना सीधे विजयवाड़ा जाता है। अब यहाँ से विजयवाड़ा अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो 200 किलोमीटर यहाँ से विजयवाड़ा। रेस्टोरेंट में रुके और भाई यहाँ पे इडली विडली के आपको हर एक एक आधा आधा किलोमीटर में ढेर सारे आउटलेट मिल जाएंगे, ढेर सारे। आप खूब खाइए इडली वड़ा। अब आज से मैंने फैमिली को ही बोल दिया भाई तुमसे आज से तुम्हें इडली वड़ा ही खाना है। अब आपको तुम इडली वड़ा खा खा के थक जाओगे, कितना इडली वगैरह खाओगे। ये इसके अंदर रुके हैं और ये बैठे हैं भाई सारे। तो भाई ये है अपना छोटा सा रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए इस तरह का रेस्टोरेंट है, तैयार हो रहा है भाई। हमने डोसे का ऑर्डर दिया है, वेदू वड़ा और ये पकौड़े और इडली, तीन चीज़ मांगी है इनसे। ये देखिए आप मसाला डोसा तैयार हो रहा है। साउथ में तो भाई साउथ इंडियन खाना ही खाएंगे। और भाई अपनी आदत है, अपन जिस एरिया में जाते हैं उसी एरिया का जो लोकल फूड है वही खाते हैं भाई, भले इंडिया के बाहर हो चाहे इंडिया में हो। अब साउथ इंडिया में सिर्फ साउथ इंडिया ही डिश खाई जाएगी। आ गई इडली, ये देखिए दोस्तों चटनी, ये भी एक चटनी और ये सांभर। और भाई अपना और ऑर्डर आ रहा है, फिर आपको बताता हूँ भाई। मज़ा आया भाई साउथ इंडिया की ट्रिप का, एंजॉय कीजिए आप भी। और ये आइया डोसा भी, गर्म गर्म डोसा, गरम गरम डोसा। ये देखिए तो भाई सारी डिशें आ गई हैं। ये देखो ये वेदू वड़ा और ये सांभर ले लिया अपन ने, इडली उडली थी। और अब आपको डोसा टेस्ट करते हैं, पहले डोसा टेस्ट करते हैं फिर आपको उसके टेस्ट के बारे में बताता हूँ भाई टेस्ट कैसा है। ये चटनी में हमने करा और ये गई फर्स्ट पार्टी, ये नारियल की चटनी है, ये नारियल की चटनी है, प्योर नारियल का स्वाद आ रहा है इसमें। और ये देखते हैं ये क्या है, इसको अभी तोड़ते हैं भाई, खाते हैं। कोई अलग ही टेस्ट जा रहा है इसका, इसमें खट्टापन भी है, सारी इमली इमली डली है। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, फिर बढ़ते हैं चेन्नई की तरफ। फिर रास्ते में कहीं बैठ के अपना लंच प्रिपेयर करेंगे, लंच अपन होटल में नहीं करेंगे, लंच कहीं प्रिपेयर करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं और बताता हूँ भाई इसका कितना टोटल बिल हुआ है। भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है और आप यकीन नहीं करेंगे कितना कम बिल बना हमारा। हमारा बिल बना ओनली 255 रुपीज़। और हमने इसमें बाद में आपने देखा चाय पी, चाय के बाद एक कॉफ़ी और मंगाई, बच्चों ने पी कॉफ़ी, एक कॉफ़ी में दोनों बच्चों ने पी ली। तो 255 रुपीज़ में अच्छा पेट भर के भैया हो गया है ब्रेकफास्ट। और अब कहीं रुकेंगे आराम से लंच बनाने के लिए, अभी कंटिन्यू करेंगे 200-250 किलोमीटर की ड्राइव और उसके बाद देखते हैं कहीं रुकते हैं। और अभी टाइम हो रखा है भाई 8:10 हो चुके हैं और हमारी ये खड़ी है धन्नो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है भाई, बहुत बढ़िया। और ऊपर आप देख पा रहे हैं NH-65। तो हमारा चेन्नई भी बचा है 545 किलोमीटर और गूगल टाइम बता रहा है 6:20 चेन्नई पहुंचने का। तो देखते हैं अपन गूगल के टाइम को बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, शायद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे क्योंकि अपन लंच प्रिपेयर करने के लिए रास्ते में रुकेंगे, हो सकता है लेट हो जाए। बने रहिए भाई वीडियो में और एंजॉय कीजिए इस रोड ट्रिप को। तो मैं अभी आगे NH बताता हूं, कोई बोर्ड आता था NH है कौन सा है। एक्चुअल में जो गूगल मैप के हिसाब से देखेंगे तो 565 है NH-565। तो कभी कभी गूगल भाई गलत भी बता देता है, तो अभी कहीं बोर्ड आता है तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि NH है कौन सा। लेकिन रोड मक्खन है भाई, ये भी रोड मक्खन है, वो जो हम उससे हैदराबाद से जो हमने 90 किलोमीटर की जर्नी करी है वो भी रोड मक्खन था भाई, बिल्कुल मक्खन। वही देखिए रोड इस कंडीशन में है और देखिए सुबह सुबह के वाइट क्लाउड भी आपको दिख पा रहे होंगे। ये देखिए भाई पोल्ट्री फार्म काफ़ी सारे हैं यहाँ पे और जो भी तेलंगाना में पोल्ट्री खूब होता है भाई। तो दोस्तों अभी हमने क्रॉस करा नालगोंडा, नालगोंडा एक छोटा सा टाउन था, छोटा सा टाउन, और ये हम इसके आउटर बाईपास में है और ये आप देख पा रहे हैं ना, ये है नालगोंडा टाउन पूरा इस साइड। दोस्तों छोटी छोटी लेक आपको खूब दिखेगी भाई, चौथी पांचवी लेक देख रहा हूँ भाई। देखिए व्यू पूरे चेंज हो गए हैं भाई, हैदराबाद से हम निकल चुके हैं, 150 किलोमीटर आ गए हैं, पूरी तरह से व्यू चेंज हो चुके हैं। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी, कोकोनट ट्रीज ये सब देखने को मिल रही है अब, और अब पूरा फील आ रही है साउथ इंडिया का। ये अब हम ऑफिशियली इंटर हो चुके हैं ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडिया, क्योंकि हैदराबाद तक तो ऐसा फील ही नहीं आया था कि हम साउथ इंडिया में, लेकिन हैदराबाद के 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलने के बाद अब ऐसा फील आ रहा है कि साउथ इंडिया में। चारों तरफ कोकोनट ट्रीज दिख रही है अब चारों तरफ। तो भाई आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कृष्णा रिवर, देखने के लिए रुके हैं, बहुत पानी है भाई। और यहाँ पंप भी लगे हुए पानी खींचने के लिए, सामने साथ फैक्ट्री है इस साइड, आप देख रहे हैं फैक्ट्री है,
इनने पंप लगा रखे पानी खींचने के लिए। और सामने रेलवे ब्रिज है, दिखाता हूँ मैं आपको, ट्रक निकल जाए। ये निकल गया ट्रक, ये देखिए वो सामने रेलवे ब्रिज भी जा रहा है, रेलवे लाइन भी है। और एनएस तो वही दिखा रहा है भाई, A565 नंबर का एनएस वही दिखा रहा है शायद, अभी तक कहीं एनएस का बोर्ड दिखा नहीं है कौन सा एनएस है। और देखिए रिवर का नजारा देखिए आप, तो है भाई शानदार नजारा है। ये देखिए रिवर का पानी भी काफी साफ पानी है, गंदा पानी नहीं है। बात करें माइलेज की, 22 का माइलेज चल रहा है भाई, बिल्कुल आराम आराम चल रहा है। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है भाई, तो मैंने सोचा ये रिवर पे रुकते हैं थोड़ा, थोड़ी नींद भी गायब हो जाएगी। सवारी करने के बाद भाई नींद के झोंके आ रहे हैं, रात को सोए नहीं बराबर। धूप बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई, साउथ इंडिया की धूप। अगर सनस्क्रीन का यूज नहीं कराना ना, बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी हो जाएगी अपन। 436 किलोमीटर टू गो। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं, और आंध्र प्रदेश में भी भाई ग्रीनरी काफी शानदार है, और माउंटेन वगैरह आ गए। मेरे राइट लेफ्ट हैंड पे भी माउंटेन है, राइट हैंड पे भी माउंटेन है, और सामने भी माउंटेन है। देखिए रोड की कंडीशन तो अच्छी है, बट इसमें मार्किंग वगैरह कुछ नहीं कर रही। वेलकम टू आंध्र प्रदेश, चौथी स्टेट है भाई। एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, और ये आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से हम इंटर करेंगे तमिलनाडु में थोड़ी देर, वही बने रहिए। और अब गया भाई टाइम 10:50 हो चुके हैं, तो कहीं रुकते हैं आधे एक घंटे बाद। भाई इस रूट पे आप ज्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी विलेज वगैरह जो भी है ना, तो यहाँ पे बाईपास नहीं बना हुआ कुछ भी, तो आपको अंदर से होकर के जाना पड़ेगा, तो आपको लोकल ट्रैफिक भी खूब मिलेगा। और यहाँ डाइवर्शन बहुत सारे हैं, कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, काफी कुछ है। अभी कोई सा ये टाउन क्रॉस कर रहा है, देखिए एक लाइन बंद कर रखी है यहाँ पे, और एक लाइन से दोनों ट्रैफिक चल रही है। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड को रिपेयरिंग का काम चल रहा है इधर, ये देखिए। तो चल रही है गाड़ी धीरे धीरे, स्पीड मेंटेन नहीं आ रही है। एवरेज स्पीड हमारी आ रही 40 के आसपास, ज्यादा नहीं आ रही, क्योंकि विलेज भी भाई 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और फिर वही विलेज आ जाता है, और विलेज के अंदर से क्रॉस होना पड़ता है। तो विलेज के अंदर से क्रॉस होंगे तो ऑब्वियसली आपको लोकल ट्रैफिक फेस करना ही पड़ेगा। गाड़ी स्लो स्लो चल रही है भाई आराम से, देखिए अभी भी छोटा सा विलेज है, टाउन है क्या है छोटा सा, इसके अंदर से निकल रही गाड़ी, और लोकल ट्रैफिक के साथ साथ। और भाई इस हाईवे पे ऑटो बहुत चलते हैं, और आप कितना भी हान भैया ऑटो वाला साइड नहीं देगा आप, इवन ये अंदर से भी निकलोगे, इवन आपको हाईवे पे भी मिलेगा ना ऑटो वाला, आप कितना ही बजा वो साइड ही नहीं देगा। तो वही ठस बेरिंग है यहाँ के रिक्शा वाले, आप केयरफुल होकर चलाएं भाई गाड़ियाँ। अभी हमें स्टेट हाईवे नंबर 78 69 किलोमीटर के बाद हमें लेफ्ट टर्न मारना है, NH-16 पकड़ना है वहाँ से। अभी चलते हैं भाई, 67 बचा आप, लेकिन ये भी स्टेट हाईवे भी बहुत जोरदार है भाई। एक नंबर बारिश हो रही है साउथ इंडिया में, जैसे बारिश और ग्रीनरी क्यों रहती है पता चलेगा आपको, देखिए क्या झमाझम बारिश हो रही है। भैया बारिश ने साउथ इंडिया में स्वागत कर दिया अपना, देखो पानी कितना भरा रोड का, एक नंबर भाई एक नंबर भाई, इतना तेज आ रहा है पानी। ये वाइपर मैंने फुल स्पीड पे चला रखे है, तो भी विंड शील पे मेरे को विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है। देखो अब हुआ स्लो, अब स्लो हुआ। अब देखिए भाई पानी हो गया बिल्कुल स्लो, और पीछे गिर रहा है पानी बहुत तेज, और आगे लगता है मुझे अभी 1-8 किलोमीटर चलेंगे रोड सूखा मिलेगा। एकदम सडनली चेंज हो गया मौसम, देखिए इधर बिल्कुल बंद हो गया पानी, बिल्कुल बंद हो गया। इधर बारिश हुई नहीं, धूप भी निकल गई, ये देखो इधर हुई नहीं बारिश, धूप निकल गई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है बस इधर। देखो दोस्तों व्यू कितना शानदार आया है, और एक लेक है भाई लेक, ऊपर आप देख पा रहे होंगे टेंपल, ये देखिए टेंपल का एंट्री गेट।
और भाई इस रोड पे ना ये बस आपको इससे परेशान है हम, ये देखिए बार बार ये डिवाइडर आ रहे हैं और डाइवर्शन आ रहे हैं, गाड़ी स्लो करना पड़ती है, अगर आगे आपका ट्रक लग गया तो फिर आपको उसके पीछे फिर चलना है। ये देखिए इसे डाइवर्शन दे रखे हैं। 11:50 हो गए और हमने अभी 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं फ्रॉम हैदराबाद, तो अभी हमारा और बचा है भाई 330 किलोमीटर, तो बने रहिए भाई। अब लंच का टाइम हो रहा है, आधे घंटे में कहीं गाड़ी रोकते हैं फिर लंच प्रिपेयर करते हैं। तो पीछे रुकने की लोकेशन अच्छी थी लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी भाई। अब सामने हाईवे आ रहा है, हाईवे नंबर 16, अब इसको कनेक्ट करना है हमारे को, हमको राइट टर्न मारना है, तो हम NH-16 कनेक्ट कर लेंगे। ये है सामने NH-16, या ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, इसको कनेक्ट करना है, राइट टर्न मारना है अपने, लेंगे टर्न राइट निकल जाएंगे भाई। देखिए ऐसे मांगने वाले बहुत खड़े रहते हैं यहाँ पे। क्या ये भाई देखिए आ रही है ऊपर से नेशनल हाईवे नंबर 16, गूगल की भी आवाज़ सुनी ली होगी आपने। तो भाई आप हैदराबाद से आए ना, गूगल जरूर लगा के रखें, तो आप कन्फ्यूज आ जाएंगे क्योंकि तीन जगह डाइवर्शन है, तीन जगह हाईवे चेंज होता है, तीसरी जगह हमारा हाईवे चेंज हो रहा है, एक जगह मैं बता नहीं पाया आप, तीसरी जगह हाईवे चेंज हो रहा है, तो आप गूगल में लगा के बढ़े नहीं, तो आप सीधे निकल जाएंगे, या तो विजयवाड़ा निकल जाएंगे, इधर कोई सा है भाई हिंदी में लिखा हुआ भी नहीं आ रहा ना इंग्लिश में आ रहा है। अब अभी हम स्टेट हाईवे पे थे, स्टेट हाईवे नंबर 78, अब आ गए हम नेशनल हाईवे 16, तो आप भैया यहाँ चलिए गाड़ी फटाफट अपनी। क्या स्टेट हाईवे पे तो भाई बहुत डाइवर्शन थे और सब सिटियों के अंदर, जितनी भी सिटी छोटी मोटी आ रही थी उसके अंदर से निकल रहे हाईवे हो। ये है भाई नेशनल हाईवे नंबर 16, कनेक्ट कर लिया अपन ने नेशनल हाईवे नंबर 16, अब ये सीधा ले जाएगा अपनों को चेन्नई। चेन्नई बचा है भाई अभी एग्जैक्ट 290 किलोमीटर। तो भाई NH-16 पे चढ़ते ही एक जो फर्स्ट फ्यूल स्टेशन आया उस पर हम रुके हैं भाई, थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह यूज करने के लिए, बच्चों को जाना था रेस्ट रूम वगैरह, क्योंकि अपना हमारा होगा 320 किलोमीटर अभी तक फ्रॉम हैदराबाद। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का फ्यूल स्टेशन है HP का, ये देखिए ये HP का फ्यूल स्टेशन है और काफी साफ सुथरे टॉयलेट्स है भाई यहाँ पे, टॉयलेट्स काफी अच्छे हैं, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, तो भाई टॉयलेट्स काफी साफ सुथरे हैं और बेस्ट टॉयलेट है भाई बिल्कुल अपने उधर तरीके नहीं, हाईवे पे टॉयलेट्स क्लीन रहते हैं, काफी क्लीन है, पानी वानी और हैंड वॉश वगैरह सारी चीज अवेलेबल है। और ये है भाई NH-16 और सामने भारत पेट्रोलियम का पंप है, ये देखिए ये है NH-16, और ये देखिए आगे नज़ारे देखिए आप, सामने आप माउंटेन देख पा रहे होंगे, देखिए माउंटेन, और ये इसके आसपास का नज़ारा देखिए इतना शानदार है, इतनी तेज़ है कि अगर सनस्क्रीन लगी ना बिल्कुल काले हो जाएंगे, इतनी तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप है। अगर आपने अभी देखा पीछे एक नंबर बारिश हो रही थी और यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप है भाई, बिल्कुल यूवी रेज बिल्कुल आए है भाई, इतनी तेज़ धूप है, फ्रेश व्रेश हो जाए। तो अभी टाइम हो चुका है 12:15, तो 12:15 हो चुके हैं, टाइम हो गया लंच का, तो कहीं अच्छी सी लोकेशन देख के लगाते हैं गाड़ी साइड में, और आज हम बनाएंगे हमारे इंदौर की फेमस सेव टमाटर की सब्जी, अभी तक यही सोचा है सेव टमाटर बनाएंगे, टमाटर शायद रखे हैं और सेव भी रखी है। ये देखिए सब गाड़ी में बैठ गए, ये अपना माइक का बॉक्स करते हैं बंद, तो भाई गर्मी बहुत सॉलिड है, AC अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं होंगे बंद करो, गाड़ी बिल्कुल गर्म आग हो गई है। ये गाड़ी कर ली है अपन ने स्टार्ट और चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं NH-16, अभी तक आप स्टेट हाईवे देख रहे थे, अब दिखाता हूँ आपको नेशनल हाईवे नंबर 16, तो चलिए बने रहिए। रुके हैं जामफल खाने के लिए टोल टैक्स के पास, और ये टोल टैक्स क्रॉस किया अभी हमने, और ये NH-16 का फर्स्ट टोल टैक्स था, और इस पे भाई हमारा टोल टैक्स मालूम 100 रुपीज टोल टैक्स, 100 रुपीज, तो काफी महंगा टोल टैक्स है, और हम स्पेशली रुके हैं जामफल खाने के लिए, तो भाई जाम बड़े जोरदार है, मजा आया जाम खाने में। अब कहीं ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ हमारे लंच प्रिपेयर करें, 12:30 हैं, जब कहीं थोड़ा बहुत ऐसा शेल्टर टाइप मिल जाए तो झाड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करते, नहीं तो धूप में जल जाएंगे भाई, तो कहीं ऐसा मिलता है झाड़ की छाव तो वहाँ बनाते अपना लंच, तो चलिए चलते हैं, जाम वाम तो हो गए, और ये पीछे टोल टैक्स,
NS16 का। कैसे है जामफल, मजा आया कि नहीं भैया? सबको मजा आ गया जामफल खाने में, और गाड़ी चला दी, अब देखते हैं कहीं जगह। तो भाइयों लंच प्रिपेयर करने के लिए रुक चुके हैं, और प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले हम बना रहे थे सेव टमाटर और रोटी, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गए, अभी टाइम हो चुका है 1 बज गया भाई, तो लेट हो चुके थे। अब प्रोग्राम में ये कराया कि दाल और चावल बनाएंगे। ये देखिए रख दिया अपन ने, और ये मैडम काट रही है प्याज व्याज, और ये अपना दाल का पानी रख दिया है कुकर में। दाल के लिए सारे मसाले कट रहे हैं, ये देखिए मिर्ची प्याज, और वो रखा है अपना तेल, ब्रोच का ऑलिव ऑयल, और ये रखा बटर में, इसको अपन दाल को फ्राई करेंगे। छाव मेरे ना उधर बहुत तेज धूप है, ये आ गए लिटिल चैंप, ये अभी सो के उठे हैं आधे घंटे पहले, जामफल की टपरी पे इनको उठाया, उठे खूब सोता है गाड़ी में खूब। आप 360 से भी देखिए, भाई सब धूप बहुत तेज है, 4 सीटी बज गई भाई, 1 सीटी और बजाना है तो दाल कंप्लीट हो जाएगी अपनी। 4 सीटी बज चुकी है, ये देखो 5वीं सीटी आने वाली है, पांचवी सीटी। भाई अपने चावल भी हो गए रेडी, अब इसको खोलते हैं। ये देखिए ये थोड़ा इंटरफेस आया भाई चावल का, देखिए बढ़िया कुक हो गए। तो भाई अपना सामान सब अवेड़ते, और सारा सामान बटर बुटरा गया डिक्की में डालते, और फिर खाना खाते हैं। बस दोस्तों साला असला बारूद आ चुका है अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के खाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, जैसा कि मैंने आपको बताया बाहर बहुत गर्मी है, एसी चला लिया। और ये देखें ये सारा खाना अंदर आ गया। हाय अफशान, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो? आवाज तो आ रही है, बोले नहीं। और ये देखिए सारा खाना आ गया, अब ये तीनों चारों माँ बेटे पीछे बैठ के खाएंगे, और मैं खा के गाड़ी चला दूंगा आगे, और ये बीच में आराम से खाते रहेंगे। मैं 5 मिनट में अपना लंच खत्म कर लूंगा, और फिर बढ़ते हैं आगे। ये देखिए भाई सर्विंग चालू हो गई है, सर्व करना खाना होना। ये आ गए भाई अपने दाल चावल खाते हैं, बिरयानी भी है, कल शाम को जो बिरयानी ली थी आधी खाई आधी रखी थी भाई, फुल ले ली थी। दोस्तों निकल चुके हैं हम यहाँ से, और अभी 260 किलोमीटर और कवर करना है हमारे को, और टाइम हो रखा है भाई 2:45, और अब करते हैं ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट और बहाते हैं गाड़ी, और क्योंकि रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, 6 लेन रोड है पूरा, तो रोड कंडीशन एक्सलेंट है, तो बहाते हैं यहाँ से गाड़ी और फटाफट से चेन्नई कैसे भी करके अपना टारगेट है 7 बजे तक लगा देना चेन्नई गाड़ी। वैसे मुश्किल है 4 घंटे में 260 किलोमीटर, देखते हैं लेट्स ट्राई, और पहुँच जाएंगे। देखिए रोड कंडीशन ऐसी है, आप क्या कहते हैं, पहुँच जाएंगे आराम से। ये देखिए ये है रोड कंडीशन, बिल्कुल सपाट रोड है, गाड़ी बस के पे जाओ 110 110 110। हालांकि इस पे स्पीड 80 की है, 80 km/h की स्पीड है इस पे, और चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ड्राइव भगाते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई रास्ते से निकल रहे थे, कुछ शानदार व्यू आया, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, और बच्चों ने बोला रोको गाड़ी, बहुत अच्छा व्यू है। तो देखिए क्या शानदार व्यू दिखा, एक लेक है भाई बहुत बड़ी, और लेक के पानी का कलर कैसा दिख रहा है, ऐसे नई नई अपने वहाँ बरसात होती ना, बरसात में भरा था पीला पीला चाय के कलर का पानी। और देखिए व्यू देखिए आप यहाँ का, क्या शानदार व्यू है देखिए। और ये लेक इस पार तक है भाई, लोग मच्छी पकड़ रहे हैं सामने, ये देखिए ये खड़ी अपनी राम प्यारी। तो गाड़ी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है भाई, गाड़ी कह रही है जहाँ ले जाना ले जाओ, बस मेरा आराम से चलाओ, अच्छे से चलाओ, जहाँ बोलोगे वहाँ ले जाऊँगी मैं। तो भाई अभी तक 1800 किलोमीटर चल गई है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, माइलेज वगैरह सब बढ़िया दे रही है, और अब व्यू का आप भी आनंद लीजिए, क्या शानदार व्यू है मेरे पीछे देखिए, क्या शानदार व्यू है। और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर दूर है, एक लोकल से मैंने पूछा 2 किलोमीटर दूरी समुद्र है यहाँ से, सी 2 किलोमीटर दूरी है, इस साइड जाएंगे तो देखिए व्यू। हाँ भाई व्यू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा है। और कुछ फोटोग्राफ ले लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, और आप नज़ारे देखते चलिए भाई, नज़ारे मत छोड़िए, आपको नज़ारे दिखाता चलूँगा, बस आप नज़ारे का एंजॉय कीजिए, आप बहुत शानदार व्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको सबसे अच्छे वीडियो के व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे।
टी ब्रेक के लिए रुके हैं और ले ली है टी और कुछ बिस्किट वगैरह खाएंगे, बच्चे भी उतर रहे हैं। और ये कैफे है, छोटा सा ये इस तरह का कैफे है। और अपन ने चाय ले ली है, यहाँ से बिस्किट ले लिया भाई, चाय बिस्किट खाएंगे। अब शान ने तो लूट मचा दी यहाँ पे यार, देखो कितना सामान ले लिया, थैली भर दी इसने, ये देखो कितना सामान ले लिया। रोड ट्रिप का आनंद आ रहा है भाई, सही साइड आनंद आ रहा है रोड ट्रिप का, तो रोड ट्रिप करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अगर आपके पास व्हीकल है तो रोड ट्रिप जरूर करें। अब ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं तमिलनाडु में, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आने वाली है, तो ये है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भाई, ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। गाड़ी रुकी जरूर थी लेकिन उन्होंने बस अंदर टॉर्च मार के देखा और बोल दिया जाओ, जाने दिया, तो ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं तमिलनाडु में। स्वागत है आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में थोड़ी देर में चेन्नई पहुंच जाएंगे, चेन्नई बचा भाई सिर्फ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बचा, तो आधे 40 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे और देखते हैं सिटी में क्या ट्रैफिक मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं सिटी का ट्रैफिक किस तरह से मिलता है हमारे, क्योंकि हमारे भी फर्स्ट टाइम है चेन्नई में, चेन्नई कभी नहीं आए हैं, सिटी वगैरह गए हैं लेकिन चेन्नई कभी नहीं आए हैं, तो देखते हैं चेन्नई में किस तरह का ट्रैफिक मिलता है। वेलकम टू द चेन्नई फ्रेंड्स, हम चेन्नई पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है भाई 8:45, और ये देखिए लाइटिंग वगैरह खूब लगी है क्योंकि क्रिसमस के सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है और यहाँ क्रिसमस काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये देखिए आप मेरे लेफ्ट हैंड पे शायद ये मरीना बीच है, तो हम कल इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे सारे चेन्नई के जितने, ये हमारे पास एक ही दिन है चेन्नई में जितने साइट सीन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कल की वीडियो में आपको सारे एक ही वीडियो में सारे साइट सीन दिखा देंगे। तो भाई चलते हैं फटाफट से हमारे हॉलीडे होम पे, और भाई वो काफ़ी थक चुके हैं, ड्राइव काफ़ी हेक्टिक थी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में चेन्नई से। तो जब तक के लिए गुड नाइट, इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपसे कल।